नमस्कार, वेबदुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश हैं आज की प्रमुख खबरें। केंद्र सरकार को झटका, अरुणाचल में फिर कांग्रेस सरकार। उच्चतम न्यायालय ने भाजपा एवं केंद्र को बुधवार को बड़ा झटका दिया तथा विधानसभा सत्र को एक महीने पहले बुलाने के राज्यपाल के निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की बहाली का बुधवार को आदेश दिया। न्यायालय के आदेश ने नबाम तुकी की बर्खास्त कांग्रेस सरकार की सत्ता में वापसी का रास्ता साफ कर दिया है और विधानसभा के छठे सत्र की कार्यवाही को 14 जनवरी 2016 से एक महीने पूर्व 16 से 18 दिसंबर 2015 को बुलाए जाने संबंधित राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा के निर्देश को दरकिनार कर दिया। मामले में कांग्रेस की ओर से पैरवी कर रहे विवेक तन्खा ने फैसले को ऐतिहासिक बताया है। दक्षिण चीन सागर विवाद में जापानी जज पर उतरा चीन का गुस्सा। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर उसके दावों को खारिज करने वाले संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायविदों पर बुधवार को तेज हमला बोलते हुए कहा है कि मध्यस्थों को नियुक्त करने वाले जापानी जज ने बीजिंग के खिलाफ निर्णय को तोड़ा मरोड़ा है। चीन के सहायक विदेश मंत्री लियो जेनमिन ने यहाँ देश भर में टीवी पर प्रसारित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एक जर्मन जज के अलावा बाकी चारों जज जापानी न्यायविद और राजनयिक शुंजी यनाई द्वारा नियुक्त किए गए थे। जर्मन जज को इस विवाद के एक याचिकाकर्ता फिलीपीन की ओर से नियुक्त किया गया था। लियो ने दावा किया कि हेग की स्थायी मध्यस्थता अदालत का कोई अंतर्राष्ट्रीय दर्जा नहीं है और इसका फैसला लागू करने योग्य नहीं हो सकता। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर भारत के बयान पर चीन ने सावधानी से दी प्रतिक्रिया। दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र समर्थित न्यायाधिकरण के फैसले पर भारत के बयान पर सावधानी के साथ प्रतिक्रिया देते हुए चीन ने कहा कि वह भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए विवाद को सुलझाना चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कांग ने बताया कि विभिन्न सरकारों की ओर से जारी किए गए सार्वजनिक बयानों में यदि कहा गया है कि विवाद का निपटान अंतर्राष्ट्रीय नियम के पूर्ण पालन के साथ होना चाहिए तो मुझे लगता है कि चीनी सरकार का भी यही रुख है। वह भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान से जुड़े सवालों का जवाब दे रहे थे। ई फाइलिंग के लिए एटीएम आधारित वैधता सुविधा बढ़ी। आयकर विभाग ने करदाताओं द्वारा ई आयकर रिटर्न दायर करने के लिए एटीएम आधारित वैधता प्रणाली का दायरा बढ़ाया है। इसमें एसबीआई के बाद एक्सिस बैंक को भी शामिल किया गया है। यह सालाना आयकर रिटर्न भरने के लिए कागज रहित प्रणाली के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब एक्सिस बैंक के एटीएम के जरिए भी इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड तैयार किया जा सकता है। ठुल्ला टिप्पणी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें आपराधिक मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस के खिलाफ उनकी कथित ठुल्ला टिप्पणी के लिए समन किया जाना था। उनके खिलाफ एक हवालदार ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने उनसे ठुल्ला शब्द का मतलब भी बताने को कहा है। निचली अदालत ने प्रथम दृष्टया केजरीवाल को दोषी पाया था और उन्हें 14 जुलाई को पेश होने के लिए समन भेजा था। केजरीवाल ने समन पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिस पर न्यायाधीश मुक्ता गुप्ता ने उन्हें राहत देते हुए 21 अगस्त तक पेशी से छूट दे दी है। अब तक के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।